सीकर कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिवक्ता की मौत के बाद वहां के अन्य अधिवक्ताओं द्वारा एक दिन काम नहीं करने का निर्णय लिया गया, और इसके तहत जब कोर्ट में काम नहीं किया गया तो हाई कोर्ट द्वारा उन्हें एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी किया गया, जिसके चलते सभी अधिवक्ता इसका विरोध कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में इनका सपोर्ट करते हुए सभी बार एसोसिएशंस के सदस्यों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज सोमवार को उदयपुर बार एसोसिएशन के अधिकारियों और सदस्यों द्वारा भी उन्हें सपोर्ट देते हुए काली पट्टी बांधकर कार्य किया गया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले एक वरिष्ठ अधिवक्ता की मौत हो गई थी, जिसके बाद सभी साथी अधिवक्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एक दिन कार्य नहीं करने का निर्णय लिया था, जिसके बाद यह विवाद उत्पन्न हुआ और उसके बाद लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। आज पूरे राजस्थान भर के अंदर एक हाईकोर्ट का जो ऑर्डर था उसके खिलाफ हमने काली पट्टी करके उस ऑर्डर के खिलाफ हमने विरोध किया है। सीकर के अंदर हमारे एक सीनियर एडवोकेट शांत हो गए थे, जिसका कार्य सस्पेंड किया गया था। उसी दौरान एक एडवर्स ऑर्डर किया था, जिसकी अपील एक वकील साहब ने की थी, जिसमें कोग्निजेंस लेते हुए हाईकोर्ट जजों ने पूरी कार्यकारिणी के खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई का ऑर्डर किया था और ऊपर से नोटिस जारी कर दिए थे। उस ऑर्डर के खिलाफ आज हमने काली पट्टी करके विरोध दर्ज कराया। वास्तविकता ये है कि जो ऑर्डर जो उन्होंने किया था, नोटिस जो जारी किए थे, कोई सस्पेंड होने के बावजूद भी जज साहब ने एक ऑर्डर कर दिया था, उसकी अपील की थी उन जज साहब ने, तो उन्होंने कहा कि साहब उस दिन कार्य सस्पेंड था और उस दिन इनको आदेश नहीं करना था, उसके अपील कर रहा हूँ उसने। तो उन्होंने कहा कार्य सस्पेंड क्यों किया गया था? उन्होंने कहा कि एक वकील साहब की डेथ हो गई थी, सीनियर थे हमने कार्य का सब, तो उन्होंने कहा कि इस कोई ज़रूरी नहीं था, इसलिए पूरी कार्यकारिणी को उन्होंने कंटेम के नोटिस जारी किए हैं और उपस्थित होने के लिए बोला हाई कोर्ट के अंदर। उसी ऑर्डर के खिलाफ हमने आज ये पूरे राजस्थान भर में यानी काली पट्टी करके हम विरोध कर रहे हैं।